गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वसंत भाग दो के पाठ 11 रहीम के दोहे। रहीम के दोहे, आपने रहीम के दोहे, कबीर की साखियां इत्यादि पढ़ी होंगी। रहीम के दोहे क्या है? तो रहीम के दोहे या कबीर की जो साखियां हैं, वो अपने अपने समय में जो भी उन्होंने अनुभव किया उसको अपने दोहों के आधार पर, काव्य के आधार पर उसको आपके सामने प्रस्तुत किया। जैसे कि कबीर की साखियां है, और आज हम यहाँ पे रहीम के दोहे पढ़ेंगे जो उन्होंने अपने दोहे के माध्यम से लोगों को या लोगों को कई शिक्षाएं प्रदान की है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो है, कही रहीम संपत्ति सके वरन बहुत बहुरी, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई सांचे मी। अब यहाँ पे कही रहीम संपत्ति, संपत्ति यानी ध्यान से सुनेंगे, संपत्ति यानी कि धन दौलत या पैसा, सगे सगे संपत्ति, बनत बहुत यानी बहुत ज्यादा बनते हैं, रीत यानी कि रीत क्या, आपके रिश्तेदार, विपत्ति का सौटी, विपत्ति यानी संकट का समय, कसौटी यानी विपत्ति कसौटी संकट के समय, कसौटी यानी समय, जे कसे तेई सांचे मी, कसे यानी जो साथ देता है, कसे साथ देता है। तो उन्होंने क्या कहा कि कभी रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरी। तो रहीमदास जी कहते हैं कि जब आपके पास ढेर सारी संपत्ति पैसा रुपया होता है तो आपके कई सगे संबंधी बन जाते हैं, आपके बहुत सारे सगे संबंधी बन जाते हैं, लेकिन विपत्ति कसौटी जे कसे, लेकिन कसौटी यानी कि विपत्ति के समय या संकट के समय जो आपका साथ देता है, तेई साचे मी, मी यानी मित्र, साचे यानी सच्चा, तेई मने जो, तो जो विपत्ति के समय आपका साथ देता है वही आपका सच्चा मित्र होता है। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर क्या बोल रहे हैं, जाल करे जल जात वही तजी मीनन को मोह। जाल, जाल जो मछुआरे के पास होता है मछली पकड़ने के लिए, जो मछुआरे मछली पकड़ने के लिए जाल रखते हैं, जाल परे जल जात, जल यानी पानी, जात यानी कि पानी में जाना, वही यानी बहना, तजी तजी यानी त्यागना, त्याग कर देना, तजी मीनन यानी मछली, मीनन यानी मछली को मोह, मोह यानी कि प्रेम माया, रहीमन मछली नीर को, रहीमन रहीमदास से कहते हैं मछली, मछली नीर यानी पानी को, मछली पानी को, तव न छड़ती छोह, तव यानी फिर भी, छड़ती यानी छोड़ना, छोह यानी कि प्रेम या मोह। तो कबीरदास जी, सॉरी रहीमदास जी हमें क्या कहते हैं कि जाल परे चल जात वही, जब मछुआरा पानी में जाल को डालता है ना, तो जब पानी में जाल को डालेगा तो क्या चीज फंसेगी उसमें, मछली फंसती है। तो मछली और पानी, मछली के साथ साथ पानी भी ऊपर आता है, तो जाल परे जल जात वही तजी मीनन को मोह। जल, जब मछुआरा उस जाल को पानी के अंदर डालता है तो जाल में मछलियां फंसकर आ जाती हैं, लेकिन तजी मीनन को, लेकिन जो पानी होता है, जल होता है, वो मछलियों को त्याग देता है, छोड़ देता है। कैसे कि मछलियां जाल में फंसकर ऊपर आ जाती हैं और पानी उन जाल के छोटे छोटे छेदों से तुरंत बाहर निकल जाते हैं। तो तजी मीनन को मोह, वहां पे जो जाल, उनसे जो पानी निकला, पानी मछली के मोह को त्याग देता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मछली मर रही है या जी रही है, वो पानी मछली को छोड़कर बाहर निकल जाता है जाल से। और वहीं पे रहीमदास जी क्या कहते हैं कि मछली नीर को, और वही मछली जो है पानी से अलग होते ही तव न छड़ती छो, जैसे ही मछली पानी से अलग होती है वैसे ही वह तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देती है, लेकिन पानी का मोह नहीं त्यागती। यानी कि पानी जो है अपना मोह जो है मछली से त्याग देता है, उसको कोई
लेकिन मछली जो है किससे जल से इतना प्रेम करती है कि वह अपने प्राण त्याग देती है जल से अलग होते ही। ठीक है, तो यहाँ देखे दो आपने देखे और उसके बाद हम तीसरा दोहा जो पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए तीसरा, तीसरे में क्या बोल रहे हैं कि तरुवर फल नहीं खाते है सरवर पियत न पान। तरुवर, तरुवर यानी कौन? तरुवर यानी कि वृक्ष। तरुवर वृक्ष पेड़। फल, फल नहीं खाते है वृक्ष, कभी भी अपने फल नहीं खाता। सरवर पियत न पान, सरवर यानी कि नदी या तालाब, तालाब या नदी सरोवर जहां पर पानी भरा हुआ रहता है। तो सरोवर पियत न पान और सरोवर कभी भी अपना जल नहीं पीता। तरुवर फल नहीं खाते है सरोवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित। पर काज हित, पर यानी कि दूसरे, काज यानी कि कार्य, दूसरों का कार्य, हित यानी भलाई, दूसरों की भलाई के लिए किया गया कार्य पर काज। अब संपत्ति संचही सुजान, संपत्ति यानी धन दौलत, संचही यानी कि जोड़ना, सुजान यानी कि सज्जन व्यक्ति। तो यहाँ पर रविंद्र से क्या कहते हैं कि तरवर फल नहीं खाते है सरोवर पियत न पान, वृक्ष कभी भी अपने फल नहीं खाता और सरोवर कभी भी अपना जल नहीं पीता। जबकि वही में रविंद्र से कहते हैं कि पर काज हित, कही रही पर काज हित संपत्ति संचही सुजान। और जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, रविंद्र से कहते हैं कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए धन का संचय करते हैं और उनके कार्यों को पूरा करने के लिए अपने धन को लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या संदेश है, यहाँ पे ये संदेश मिलता है कि जिस तरीके से वृक्ष और सरोवर अपना फल नहीं खाते, अपना जल नहीं पीते, उसी तरीके से जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो दूसरों के भलाई के लिए, दूसरों के कार्यों के लिए अपना धन संचय करते हैं, इकट्ठा करते हैं और उस कार्य के लिए खर्च करते हैं, यानी अपने से ज्यादा वो दूसरों के लिए सोचते हैं। देखिए यहाँ पे ये तीनों आपने देखा, एक बार फिर से मैं इसका रिवाइज करवाऊंगे। देखो, कही रही संपत्ति सगे बनत बहुत बकरी, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साचे मी। यानी कि रविदास जी कहते हैं कि आपके पास जब धन संपदा होता है तो बहुत सारे आपके रिश्तेदार नातेदार इत्यादि मित्र जन सब बन जाते हैं, लेकिन जैसे ही अगर आपके पास धन संपत्ति खत्म हो जाए तो कोई भी आपको पूछता नहीं है। उसी प्रकार उन्होंने कहा कि जो विपत्ति के समय आपका साथ दे वही आपका सच्चा मित्र कहलाता है। सेकंड पर उन्होंने बताया, जाल परे जल जात बही तजमीनन को मो, रहिमन मछली नीर को तौ न छड़ती छो। यानी कि जब मछुआरा जल के भीतर अपने जाल को डालता है और जब उसमें सारी मछलियां फंस जाती हैं और वो ऊपर की ओर खींचता है तो वो मछली जाल में फंस के तो आ जाती है लेकिन पानी उसके भीतर से निकल जाता है और पानी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मछली जिंदा है या मर गई, लेकिन मछली रहिमन मछली नीर को तऊ न छड़ती छो। लेकिन मछली जल से इतना प्रेम करती है कि जैसे ही जल उसे अलग होता है वह तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देती है। यानी कि उसके प्रेम को सर्वोपरि बताया गया है कि इतना प्रेम करती है कि वो अपने प्राण भी त्याग देती है। उसके बाद तीसरा, तरुवर फल नहीं खाते है सरोवर पियत न पान, कही रही पर काज हित संपत्ति संचही सुजान। यानी कि वृक्ष कभी भी अपने फल नहीं खाता और सरोवर तालाब कभी भी अपना जल नहीं पीता। उसी प्रकार जितने सज्जन व्यक्ति, जितने परोपकारी व्यक्ति, परोपकारी सज्जन किसे कहा गया है? जिनका व्यवहार शिष्ट हो, सदाचारी हो, परोपकारी यानी दूसरों पर उपकार करने वाला। तो ये वही लोग होते हैं जो दूसरों की भलाई के लिए अपने धन का संचय करते हैं, उनकी मदद करते हैं। तो इस प्रकार से सभी, जिस तरीके से एक वृक्ष और
है उसी प्रकार से संसार के सभी प्राणियों को बनना चाहिए। इसके बाद हम चौथा नंबर देखेंगे,